गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सूर्य प्रकाश. वेलकम टू बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूर्य प्रकाश. एंड टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट टाइम वी हैड डन सिलेंटेटा फाइलम पार्ट वन एंड नाउ दिस इज पार्ट टू. इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर देंगे क्योंकि तीसरा जो भाग है वो क्लासेस का है. एंड नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने लास्ट टाइम किया था पार्ट वन में अप टू बॉडी लेयर्स. और वहां हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि एपिडर्मिस कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स नोन एज नाइडोब्लास्ट. यहां ऑलरेडी हेडिंग लिख रखी है. एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नाइडोब्लास्ट. अब नाइडोब्लास्ट क्या है? दे आर ऑल्सो नोन एज स्टिंगिंग सेल्स. हमें सबको पता है क्योंकि इसी के बेस पर इसका नाम नाइडेरिया पड़ा है. अब लगभग देर आर अबाउट 17 टाइप्स ऑफ स्टिंगिंग सेल्स. 17 टाइप्स है लेकिन हम यहां सिर्फ तीन ही लेंगे. और वो तीन कौन से हैं? वो तीन यहां आ जाते हैं. दोज आर, पहली जो टाइप आ जाती है दैट इज पेनिट्रेंट्स. बहुत ही कॉमन है ये पेनिट्रेंट्स. देन वॉल्वेंट्स एंड फाइनली ग्लूटिनेंट्स. तीन तरह के हम मेजर नाइटोब्लास्ट्स लेंगे, स्टिंगिंग सेल्स लेंगे. अब देखिए पेनिट्रेंट्स जो हैं, पेनिट्रेंट्स क्या है? दे पेनिट्रेट द स्किन लाइक इंजेक्टेबल्स. जैसे इंजेक्शन हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट पेनिट्रेट कर जाता है, बिल्कुल वैसे ही. इसीलिए इनका नाम क्या है? पेनिट्रेंट्स है. सो दे पेनिट्रेट द स्किन, पेनिट्रेट द स्किन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसका नाम पेनिट्रेट है. देन वॉल्वेंट्स, वॉल्वेंट्स कॉइल अराउंड द प्रे. वो शिकार के ऊपर इस तरह से कॉइल कर देते हैं. जैसे हम एक सिंपल हम लेते हैं एग्जाम्पल, एक बॉल पेन होता है और बॉल पेन में स्प्रिंग होता है. तो वो जैसे हम बॉल पेन में स्प्रिंग इंसर्ट होता है और वो स्प्रिंग ने क्या किया होता है, उस बॉल पेन को फ्रंट हिस्से को इस तरह से कॉइल कर लिया होता है, बिल्कुल वैसे ही वॉल्वेंट्स होते हैं. सो इसीलिए हम ये कहेंगे वॉल्वेंट्स वो स्टिंगिंग सेल्स है, दोज विच कॉइल अराउंड द प्रे. बिल्कुल ब्रीफ में, क्योंकि इसमें से सिंपल क्वेश्चन. एंड ग्लूटिनेंट्स, दे अटैच विद द प्रे. सिंपली दे गेट अटैच विद प्रे. वो सिंपली जैसे चिपकना होता है, बिल्कुल वैसे चिपक जाते हैं. अब देखिए ये जो नाइडोब्लास्ट है इनके पास एक टॉक्सिन है विच इज नोन एज हिप्नोटॉक्सिन. डेट इज नोन एज हिप्नोटॉक्सिन कहा जाता है. और ये हिप्नोटॉक्सिन क्या करता है? इट बेसिकली पैरालाइज द प्रे. ये याद रखना है आपने. दिस पैरालाइजेस द प्रे. अब इस स्टिंगिंग सेल के पास देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द स्टिंगिंग सेल. तीन पार्ट्स हैं. वो तीन पार्ट्स कौन से हैं? चलिए हम पार्ट्स की हल्की सी बात करेंगे कि वो पार्ट्स कौन से हैं. देखिए पहला पार्ट जो आ जाता है ना, वो आ जाता है ऑपरक्यूलम. क्योंकि हमें एकेडमिक्स के लिए या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए ये बेसिक चीजें ही याद रखनी है डिटेल में, क्योंकि डिटेल में अगर हम जाएंगे तो वो ग्रेजुएशन वाला पार्ट हो जाएगा. हम अपने लेवल तक ही सीमित रहेंगे. नाउ ऑपरक्यूलम है. ऑपरक्यूलम के बाद निमेटोसिस्ट है. और फाइनली इसके पास तीसरी चीज क्या है? नाइडोसील. देखिए तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर. अब ये तीन चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, हम हल्का सा एक ओवरव्यू लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है. देखो जब आप ऑपरक्यूलम की बात करते हो ना, तो ऑपरक्यूलम ये है. ये एक ढक्कन जैसा है जो यहां पड़ा होता है और इसके नीचे एक शैफ्ट होती है. इस तरह से शैफ्ट होती है और इसी शैफ्ट के चारों, अगर इसको देखा जाए, इसी शैफ्ट के नीचे जाकर ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू ए ट्यूब विच इज नोन एज थ्रेड ट्यूब. देखिए ये थ्रेड ट्यूब इसको कॉइल कर लेती है. देखिए इसको कॉइल कर रही है ये. दिस इज कॉइलिंग अराउंड द प्रे.
ये देखिए, ये इसको पूरे का पूरा इसने इसको कॉइल कर लेती है। यहां पे आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऑपरक्यूलम है, सबसे ऊपर लेबल कर लेते हैं, ये ऑपरक्यूलम है, यहीं पे लेबल कर देते हैं। ये जो ग्रीन पार्ट में हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज थ्रेड ट्यूब, मैं यहां लेबल कर देते हैं, थ्रेड ट्यूब है ये। और इसके बाद ये ब्लू में ये जो हमें कोनिकल फ्लास्क जैसी दिखाई दे रही है, दिस इज शेफ्ट। चलिए, जो चीज लेबल करने वाले वही करेंगे। अब इसके बाद ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से, इस कैप्सूल, ये जो यहाँ ये दिखाई दे रहा है, एक कैप्सूल जैसा होता है, एक डबल मेम्ब्रेन कैप्सूल है जो इसको कवर करता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ रिफ्रेक्टाइल रॉड्स जैसी दिखाई देगी। ये डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर रिफ्रेक्टाइल रॉड्स होती हैं। और इसी के नीचे देयर इज सपोर्टिंग थ्रेड, कुछ इस तरह से, दीज आर सपोर्टिंग थ्रेड। ये सारे इसके पार्ट्स हैं, ऑल दीज आर पार्ट्स। नाउ द होल स्ट्रक्चर इज कवर्ड ओवर बाय अनदर मेम्ब्रेन, ये देखिए, अनदर, एक और मेम्ब्रेन है। अब यहां पर क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, देयर इज न्यूक्लियस, देयर इज ऑल्सो अनदर थ्रेड विच सपोर्ट्स दिस नेमेटोसिस्ट। इस एक और थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज लासो। ये इसको बेसिकली जब एक्सप्लोड करता है ना, तो कहते हैं जब कोई चीज झटके से जाती है तो पीछे से कोई चीज पकड़ के रखनी चाहिए, अदरवाइज ये पूरे का पूरा पार्ट ही बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही जिसको कहते हैं स्पीड में एक्सप्लोड करता है, किसी के ऊपर हमला करता है, तो इसको पीछे से कोई पकड़ने वाली चीज चाहिए। तो ये जो आपको थ्रेड जैसा ये एक सपोर्ट दिख रही है, दिस इज नोन एज लासो, मैं इधर लिख देता हूं। ये लासो क्या करती है, ये बेसिकली इसको पकड़ के रखती है पीछे से जब ये एक्सप्लोड करता है, फिर बाद में वापस आता है। अब होता क्या है, ये देखो, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अनडिस्चार्ज्ड नाइटोब्लास्ट। जब ये अनडिस्चार्ज है, और एक चीज, अब ये डिस्चार्ज कैसे होगा, एक चीज की वजह से, वो है ये तीसरा पार्ट। और ये तीसरा पार्ट जो है ये है इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं नाइडोसील। ये नाइडोसील तीसरा पार्ट जो है, तो अब देखो, जब भी इस नाइडोसील में किसी भी तरह की सेंसेशन होगी या मूवमेंट पाई जाएगी अपने सराउंडिंग में, इसे लगेगा खतरा है, दिस शेफ्ट अलोंग विद थ्रेड ट्यूब अलोंग विद, यहां पर कुछ और चीजें भी होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब वो बात वही आ गई कि इसको ज्यादा खींचना नहीं है, यहां पर कुछ स्पाइंस जैसे भी होते हैं, है ना, देर आर स्पाइंस, देर आर स्टाइलेट्स होते हैं, ये एक्सप्लोड करते हैं अलोंग विद स्पाइंस, और देन दे सेक्रीट हिप्नोटॉक्सिन। अब कैसे एक्सप्लोड करते हैं, इधर एक डायग्रामेटिक व्यू ले लेते हैं आपको, ताकि इसका पता लग जाए कि निकलता कैसे है। देखो, ये आ गया हमारा ऑपरक्यूलम, एक साइड पर ये खुल गया, जो आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा है ब्लैक कैप्सूल, ये यहां रह गया, ये खुल गया, ये खुल गया, कैप्सूल खुल गया। इसके अंदर वी नो, यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा था रिफ्रेक्टाइल रॉड्स दिखाई दे रही थी, और इसके साथ देयर इज सपोर्टिंग थ्रेड्स थे इस तरह से। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर निकलता है, ये एक्सप्लोड करेगा बाहर, बाहर एक्सप्लोड कैसे करेगा, ये देखिए निकल रहा है बाहर अलोंग विद, सॉरी, ये ब्लू में बनाना चाहिए, क्योंकि ताकि आपको बिल्कुल पता लग जाए कि कौन सा पार्ट बाहर निकला है। नाउ लुक हियर, ये निकला बाहर, एक्सप्लोड किया, इसके साथ स्पाइंस भी हैं, ये स्पाइंस हैं जो इसके साथ ही बाहर निकलते हैं। देन दे मूव फॉरवर्ड, ये निकला बाहर, लुक हियर, एंड फाइनली ये कुछ इस तरह से छोटे छोटे स्पाइंस और भी हैं, स्टाइलेट्स, एंड देन लुक हियर, ये बाहर निकल गया, ये इस तरह से
स्पाइन बाहर निकल जाता है, और कैसे निकलता है, फाइनल एक स्टेज ये यहां पर किसकी वजह से निकला, एक ही चीज थी, वो चीज क्या थी, वो थी ये नाइडोसील की सेंसेशन। इस नाइडोसील में जब सेंसेशन हुई, कोई मूवमेंट हुई, इसने भांप लिया और अल्टीमेटली इसने क्या किया, इट एक्सप्लोड्स। ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लोड होता है, और जब एक्सप्लोड होता है और ये डंक मारता है, जिसे कहते हैं डंक मारना। और यहां पर क्या है, अब इसको सपोर्ट करो, क्योंकि ये बड़े झटके से निकला, लासो इसको सपोर्ट कर रहा है, पकड़ के रखता है, ये इसको पकड़ के रखेगा। तो ये जो हमने यहां ड्रॉ किया, दिस इज डिस्चार्ज्ड, ये एक ऐसा पार्ट है जो डिस्चार्ज हो चुका है, रिस्पॉन्स किया इसने, और ये अनडिस्चार्ज्ड। तो देखिए ये चीज आपको सिर्फ डायग्राम इसलिए ड्रॉ की गई है क्योंकि एकेडमिक पार्ट जो है ना, एकेडमिक पार्ट वो बड़ा आपका एक साफ सुथरा, अगर आपको एकेडमिक समझ आ गया ना तो ये नीट, ये बाकी चीजें समझ आ जाती है, अदरवाइज समझ नहीं आता कुछ भी। क्योंकि मोस्टली जो मैंने देखा है, कुछ कुछ होता है कि मोस्टली हमने देखा है कि डायग्रामेटिक पार्ट जो है ना, वो या तो एक पीपीटी बनाई होती है या कुछ बनाया होता है। मुझे लगता है कि ये पार्ट एक ऐसा है, मैं किसी को भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो मुझे लगता है कि ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि ड्रॉ करने से क्या होता है कि एक तो जो स्टूडेंट है वो भी आपको देखता है और वो भी ड्रॉ कर सकता है, और एकेडमिक पार्ट में बड़ी हेल्प मिलती है। नाउ दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, जो हमें याद रखना है, कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, वो यहाँ लिख दिए मैंने। हिप्नोटॉक्सिन, तीन तरह के नाइडोब्लास्ट है। अब हम आगे चलते हैं इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की तरफ, कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कैसे हैं। और पहला जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो है डाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ डाइजेशन पॉइंट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए कुछ पॉइंट तो आपको याद ही रखने हैं, मैं इसको बिल्कुल जिस्ट में लूंगा, एक ब्रीफ अकाउंट में। देखो आपको डाइजेशन में एक चीज तो आपको याद ये रखनी है कि इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। ये कुछ पॉइंट है जो बेसिकली क्वेश्चन आंसर एकेडमिक पार्ट में पूछे जाते हैं, इनकम्प्लीट है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इसका बॉडी प्लान कौन सा है, ब्लाइंड सैक प्लान है, ब्लाइंड सैक प्लान है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, तो न्यूट्रिशन में क्या है, न्यूट्रिशन इज इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर भी है एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर भी है। अब कैसे, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं, अब ये कैसे, देखो कुछ डाइजेशन इसकी सेल के अंदर होती है, कंप्लीट डाइजेशन जो है वो बेसिकली सेल के अंदर ही होती है, लेकिन जो पार्शियल डाइजेशन है ना, वो एक सेल है, हमने बॉडी लेयर्स में पढ़े थे, जिनको कहा जाता था एंडोथीलियो ग्लैंड सेल्स, एंडोथीलियो ग्लैंड सेल्स। और ये सेल्स क्या थे, ये बेसिकली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से एक तरह के सेल्स ये क्या करते थे, दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये कहां प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, वहां प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि फूड वहीं पे आएगा। ये इमीडिएटली क्या करते हैं, दे सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड देयर ऑकर्स पार्शियल डाइजेशन। और बाकी की डाइजेशन कहां होती है, इनसाइड द सेल्स, और कौन से सेल्स, दोज आर एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स, एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स के अंदर बाकी की डाइजेशन होती है। तो यहां से देखिए एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि देयर इज दोनों तरह की डाइजेशन होती है, इंट्रासेलुलर भी है और एक्स्ट्रासेलुलर भी है। नाउ अब उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आ जाता है, That is circulation. चलिए circulation ले लेते हैं, क्योंकि इसके साथ ही concern है।
देखिए बेसिकली अगर देखा जाए ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो इसमें एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट है, लेकिन देयर इज सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल। देखिए सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स इज देयर, वो होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम तो एब्सेंट है जो यहां लिखा है। इसको ये मत समझिएगा कि सर्कुलेशन एब्सेंट है, क्योंकि अब पॉइंट लिखना है तो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, लेकिन सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल तो होती है, क्योंकि वो तो जरूरी है। और वो कौन करता है, फिर से हम बात करते हैं, वो है हमारे एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स। देखिए एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स, इन्हें हम कहते हैं, ये सेल्स मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, दे आर ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिटिव सेल्स। क्यों भाई न्यूट्रिटिव सेल्स क्यों कह रहे हैं? देखिए इसकी जो वजह है, न्यूट्रिटिव सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो ये इनके पास एक फ्लैजिला है। अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए ना तो ये कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह से डिप्रेशन है और ये कुछ इस तरह से सब स्ट्रक्चर, एक सीडोपोडिया भी प्रेजेंट है, यहां पर न्यूक्लियस भी है, कुछ फूड वैक्यूल्स भी हैं क्योंकि इन्हीं में स्टोर होता है, और इसके साथ साथ यहां फ्लैजिला भी है। यहां नहीं है फ्लैजिला सीडोपोडिया के पास, बेसिकली फ्लैजिला आर प्रेजेंट हियर। अब देखो होता क्या है, ये फ्लैजिला क्या करते हैं कि वो जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड को इंजेस्ट करते हैं अंदर, और अंदर क्या होता है इसकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, और कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद इन फूड वैक्यूल्स के थ्रू ये ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द सिलेंड्रेट सर्कुलेट कर दिए जाते हैं, क्योंकि मटेरियल देखो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स मस्ट बी सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दीज आर द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सर्कुलेशन। ये समझने की बात है। तो सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल कौन करता है, याद रखिए एंडोथीलियो मस्कुलर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर मैंने कहा ना, मेरी आदत है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की, किसी भी चीज की तय तक जाने की, और मैं फिर से कहूंगा कि बुक्स को पढ़िए, बस जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उन्होंने बुक्स पढ़ी, आप देखिए एंड गो फॉर बुक्स और उसको प्रैक्टिकली यूज कीजिए। सो ये क्या है, इसका एक डायग्रामेटिक व्यू था, समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि ये फ्लैजिला की वजह से ही इंजेशन होती है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो यही वो सेल्स है जो सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन को पास ऑन करते हैं। एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, फिर आ जाता है हमारे पास रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन जो है, क्योंकि अब देखिए ये पानी में रहने वाले हैं तो इनका जो कॉन्टेक्ट है वॉटर के साथ डायरेक्ट ही है, सो देयर इज डायरेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रांसफर ऑफ गैसेस। गैसेस का जो रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसफर है वो डायरेक्ट इनके बॉडी सेल्स के साथ ही होगा, क्योंकि पानी में रहते हैं, पानी के साथ ही सारा इनका लिंक है। सो हम ऐसा कह सकते हैं रेस्पिरेशन थ्रू जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी, जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी। क्लियर? बहुत क्लियर, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, नेचुरली इसमें कोई ऑर्गन्स तो है नहीं। अब आ जाता है एक्सक्रीशन। जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन भी जो है वो बेसिकली दे एक्सक्रीट अमोनिया लाइक द पॉरीफेरेंस, ये अमोनिया ही एक्सक्रीट करते हैं। और एक्सक्रीशन कैसी होती है, वही मैंने कहा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, सो और नेचुरली यहां इनकम्प्लीट है, ब्लाइंड सैक प्लान है, और माउथ जो है माउथ के थ्रू ही होगा, एक ही माउथ है ना, हाइपोस्टोम के पास ही एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है,
जिसको माउथ कहते हैं, मैं थोड़ा सा इसको कल क्लासेस में डिस्क्राइब जरूर करेंगे। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहां भी हम यही लिख सकते हैं एकेडमिक्स के लिए, यही लिख सकते हो जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी, जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी। एक्सक्रीशन भी इसी तरह से होती है। अगर हम अब सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स की हम बात कैसे करेंगे, कि अगर सेंसरी सेल्स की बात करें तो इनके पास क्या है, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो बैलेंसिंग के लिए इनके पास क्या है, देयर आर स्टेटोसिस्ट्स। ये बड़ा ये याद रखो, ये चीज याद रखने वाली कि बैलेंसिंग के लिए स्टेटोसिस्ट चाहिए और एक फोटो सेंसिटिविटी के लिए। नेचुरली ये बड़े कलरफुल होते हैं, बेसिकली काफी कलरफुल दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, अभी हम उसकी, चलो मैं उसकी भी इसी में बात कर देता हूं। देखो बेसिकली ये कलरफुल दिखाई देते हैं, दे बेसिकली शाइन, जैसे जेली फिशेज शाइन करती हैं, मून जेलीज जिन्हें हम कहते हैं। सो बेसिकली वो शाइन करती है, शाइन क्यों करती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑसिलाई एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसेंसिटिविटी, फोटोसेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये दो भाई पॉइंट्स, दो जो आपको यहां ऑर्गेनेलीज लिखी गई हैं, दो जो सेल्स लिखे गए हैं, सॉरी ऑर्गेनेलीज तो नहीं कहूंगा, सेल्स कहूंगा, तो ये याद रखिएगा, स्टेटोसिस्ट फॉर बैलेंसिंग एंड ऑसिलाई फॉर फोटोसेंसिटिविटी। अंडरस्टूड माय पॉइंट, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है स्केल्टन सिस्टम। चलिए स्केल्टल सिस्टम को थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि ऊपर ही रहे। नाउ स्केल्टल सिस्टम की बात करते हैं। देखो जब यहां बात करते हैं ना स्केल्टन की, तो बड़ा स्पेशलाइज सिस्टम है ये। इनके पास एक्सोस्केल्टन भी होता है जो स्ट्रांग होता है, एक्सोस्केल्टन भी है, एज वेल एज एंडोस्केल्टन की भी फॉर्मेशन होती है, एंडोस्केल्टन की भी फॉर्मेशन दोनों। अब यहां पर क्या है, अगर देखा जाए तो मोस्ट केसेस में अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एक्सोस्केल्टन स्ट्रक्चर है ना, वो हम देखने को मिलता है। अगर आप लक्षद्वीप में चले जाएं, मालदीव्स में चले जाएं, ग्रेट बैरियर रीफ्स में चले जाएं, तो वहां आपको क्या मिलेंगे, वी फाइंड एक्सोस्केल्टन्स विच आर नोन एज कोरल रीफ्स। इसकी बात हम कल वाले लेक्चर में करने वाले हैं, कल वाले लेक्चर में इसकी बात होगी। और कोरल रीफ्स का बहुत यूज है, इसके यूजेस को भी देखेंगे हम, इसका बेनिफिट क्या है, क्यों बनते हैं ये एक्सोस्केल्टन, क्योंकि इसका क्वेश्चन नीट में तो आता ही आता है, एकेडमिक्स में भी आता ही आता है। तो इसको थोड़ा सा हमें हल्का फुल्का, मैंने कहा ना कि वही चीज पढ़ेंगे, वो कोई मैंने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है हमने। तो बेसिकली ये कोरल रीफ्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट्स के बने होते हैं। और अगर देखा जाए तो जैसे ज्वेलरी में हम यूज करते हैं, जो कलरफुल स्टोन्स हम पहनते हैं, जैसे बहुत अच्छी एग्जांपल है, जैसे हम कहते हैं रेड मूंगा, रेड मूंगा ये ज्वेलरी में हम पहनते हैं, है ना। ब्लू कोरल्स पहनते हैं, ब्लू कलर के स्टोन्स पहनते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। तो वो सारे स्टोन्स जो है ना बेसिकली वो कोरल रीफ्स के होते हैं, दे आर बेसिकली कोरल रीफ्स। सो इट इज कोरेलियम रबरम होता है जिसका जूलॉजिकल नेम है, तो वहां नहीं हम जाएंगे, चलिए कल की बात कल करेंगे। तो कोरल रीफ्स हैं जो इसका स्केल्टल सिस्टम बनाते हैं, और काफी बड़े बड़े कोरल रीफ्स हैं और कलरफुल होते हैं। खासतौर पर अगर देखा जाएगा तो सीलेट्रेट्स जो है इनके कलर जो है ना, कलर इट इज ड्यू टू द एल्गी, और वो दो एल्गी हैं जिनकी वजह से ये बड़े कलरफुल दिखाई देती हैं। और वो एल्गी क्या है, दीज एल्गीज आर जू क्लोरेले एंड जू जेंथेले। इनकी वजह से इनका कलर जो है ना वो अलग अलग दिखाई देता है, कलर हो जाता है। और these are green
एंड दीज आर ब्राउन। हाइड्रा में भी जो कलर है ना वो इन्हीं की वजह से दिखाई देता है, मोस्टली जो हाइड्रा है वो कलरलेस ही दिखाई देते हैं, जिसको हम अदरवाइज जो कलरफुल हाइड्रा है ना, कलरफुल हाइड्रा भी इसकी वजह से है, जू क्लोरेटे एंड जू जेंथेले, इनकी वजह से है। तो ये दो एल्गीज हैं जिनकी वजह से ये सीलेंटेट्स कलरफुल भी दिखाई देते हैं। नाउ उसके बाद आ जाता है हमारा, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो रिप्रोडक्शन जो है दोनों तरह की यहां दिखाई देगी, एसेक्सुअल भी है, नेचुरली पॉलिप फॉर्म्स आर एसेक्सुअल एंड मेडुसा फॉर्म्स आर सेक्सुअल, तो दोनों तरह की है। अगर आप एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल में आपको बडिंग हो सकती है, फिशन हो सकती है ना, हर तरह की होती है। और अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो वहां फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा दोनों है, गोनेड्स इनके डक्टलेस होते हैं, उनमें डक्ट्स नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो दोनों हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है, पॉइंट याद रखना है। अब डेवलपमेंट कैसी है, अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की। देखो मैंने कहा ना कल क्लासेस में काफी सारी आपको नई चीजें पता लगेंगी, क्योंकि आप 10th से 11th में आए हैं तो थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा भाई। और जब डेवलपमेंट की बात करते हैं ना तो डेवलपमेंट यहां दोनों तरह की होती है, डायरेक्ट भी है जिसमें किसी तरह की लार्वल स्टेज नहीं है, नो लार्वल, और इनडायरेक्ट भी होती है जिसमें कि लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। और यहां एक बड़ा पॉपुलर लार्वा है जो आपको याद रखना है, जिसका नाम डेट इज प्लेनुला लार्वा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पार्ट एकेडमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये पॉइंट जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। अब लास्ट पॉइंट जो आ जाता है एनसीईआरटी में भी जिसकी बड़ा जिक्र है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विच इज ऑल्सो नोन एज, जिसे क्या कहा जाता है, ये एक क्वेश्चन बड़ा आता है, दे शो मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है, बेसिकली दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेसेस। और ये जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेसेस हैं, वो बेसिकली क्या है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेसेस जो है वो दोनों की दोनों डिप्लॉयड फेसेस हैं, और इसी वजह से इसको मेटाजेनेसिस भी कहा जाता है, दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन एक चीज जो मेरे माइंड में आती है ना कि जैसे हम प्लांट्स में पढ़ते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो वहां पर हैप्लॉयड डिप्लॉयड फेस होता है, वहां पर हैप्लॉयड फेस भी होता है डिप्लॉयड फेस भी होता है उनकी रिप्रोडक्शन के केस में। लेकिन यहां अगर आप देखो ना तो इनको अगर आप स्टडी करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, आपको दोनों फेजेस जो है वो डिप्लॉयड ही होंगे, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। तो थोड़ा सा प्लांट्स के केस में ये डिफरेंट है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि दे शो ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दे हाउएवर शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, सो दैट इज नोन एज मेटाजेनेसिस। तो ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स जो है ना वो हम करेंगे कल कुछ क्लासेस के साथ, फिर से वही मैं बात करूंगा विद सम ब्यूटीफुल डायग्राम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, और आपको ये करेक्टर्स जो है इसी तरह से एकेडमिक एग्जाम में लिखने हैं। और फिर से कहूंगा बुक्स को पढ़ते जाइए, बस जो आप यहां पढ़ रहे हैं और जो आपके पास बुक्स हैं उनको बस एड ऑन कीजिए, आपको नीट में क्वालिफाई करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, मेनी मोर्स टू कम। थैंक यू वेरी मच।